मनुष्य जिंदगी किसके लिए दिया है? ताकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका पूर्ण रूप से हल कर सके, ये समस्याओं का समाधान कर सके, इसके लिए मनुष्य जिंदगी दिया गया है। पर जो ग्रह मेदी है अज्ञान के वजह से, माया के वजह से, वो ये चीजों के बारे में भूल जाते हैं, सबसे बड़ा कष्ट उसके बारे में भूल जाते हैं और इंद्रिय भोग में लगते रहते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर चलते ही नहीं। तो इसलिए ये दुनिया से पूरे तरह से कष्ट से मुक्त होने के लिए तरीका क्या है? हमको भगवान के धाम जाना है। जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब तक कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति समुद्र में जाता है, समुद्र में जाएगा तो गीला होके ही आएगा। कोई अगर बोलेगा मैं समुद्र में गया हूँ पर सूखा बाहर आया हूँ, हो सकता है कभी नहीं हो। तो ये भौतिक दुनिया समुद्र है, किसका? कष्टों का समुद्र है। तो यहाँ पे आने के बाद कष्ट ही कष्ट मिलेगा, कोई सूखा बाहर निकल नहीं सकता। तो कष्ट से मुक्त होना है तो तरीका क्या है? हमको भगवत धाम जाना है, वही कुंट जहाँ पे कुछ कुंट नहीं है, जहाँ पे कुछ कष्ट नहीं है। तो ये मनुष्य जिंदगी दिया है भगवान ने। तो मनुष्य जिंदगी क्या है, किसके लिए दिया है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका हल निकालने के लिए, इसका समाधान करने के लिए। और वो कैसे होगा? जब हम भगवत धाम जाएंगे। और भगवत धाम जाने का तरीका क्या है? हमको भगवान के बारे में सुनना है। और भगवान के बारे में सुनना मतलब भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान के धाम, ये सब के बारे में सुनने से हम भगवत धाम की ओर जाते रहेंगे।